फिरोजाबाद हरिद्वार से अलीगढ़ होता हुआ पानी पहुंचा फिरोजाबाद के एका ब्लॉक में। 6 गांव की 1700 बीघा धान की फसल पानी में डूबी। 7 से 8 फीट खेतों में भरा पानी। गांव में घरों तक पहुंचा पानी। सभी गांव फिरोजाबाद के एका ब्लॉक में। अधिकारी करा रहे हैं पानी निकालने की व्यवस्था। दरअसल चारों तरफ पानी देखकर एक बार तो ऐसा लगता है कि यह कोई नदी है, लेकिन हम आपको बताते हैं यह नदी नहीं, यह फिरोजाबाद के एका ब्लॉक में आने वाले 6 गांव देवा, प्रेमपुर, जैतपुर, मछराय, सरपुर, नगला पाए है, जहां 1700 बीघा धान की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, क्योंकि वहां खेतों में 7 से 8 फीट पानी भर चुका है। जिस नहर में यह पानी आया है उसे खारजा नहर कहा जाता है। इस नहर में पानी न आने की वजह से इसे खारिज कर दिया गया था, इसलिए इस नहर को खारजा नहर कहते हैं। इस नहर में काफ़ी सालों से अब तक पानी नहीं आया था, लेकिन इस बार उत्तराखंड में हुई भीषण बरसात के कारण हरिद्वार से होता। आपका मेरा राकेश कुमार है, मैं प्रधानपति हूँ यहाँ। अच्छा प्रधानपति हैं आप, यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ देख रहे हो कि 6 गांव की फसल खेती डूब चुकी है धान की, अब क्या स्थिति क्या है यहाँ? यहाँ की स्थिति धान तो से इनका किसानों का सब चला गया, कोशिश भी करते इनकी नर्सरी भी चली गई, अब लगाने के कोशिश में नहीं है। और जन कितने दिन में पानी निकलेगा? अच्छा अब क्या स्थिति है, अधिकारी आए कोई? नहीं, DM साहब आए, तहसील लेवल के लेखपाल से लेके SDM तक आए, व्यवस्था करी, सिंचाई विभाग को दी, कुछ खंडियाँ कटी, लोक निर्माण विभागों ने तुरंत रोकी गई। पर वो इस नहर जो हमारे किसान हैं वो केवल इसको नहर की खारजा की सफाई मांग रहे हैं 2 किलोमीटर तक, वो सारी सफाई हो जाए तो ये पानी एकदम चला जाए। फिर वो हजारा नहर है वो डाउन नहीं होता है, जब डाउन थोड़ा बहुत आ जाता है तो पानी चलने लगता है, जब वो स्थिति में डाउन हो जाए नहर हजारा तो पानी हमारा जल्दी चला जाएगा, तो किसान थोड़े से प्रभावित से बचेंगे। सर हमारा नाम राधाचरण यादव। राधाचरण जी, ये फिरोजाबाद का एका क्षेत्र है, यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो फसल है, 6 गांव की जो फसल यहाँ खेतों में हो रही थी वो सब जलमग्न हो गई, क्या कारण? टोटल जलमग्न हो गई है सर। ये हमारी एक पहले नहर चलती थी वो फिर खारिज कर दी है, खारजा में नहर में ऊपर से पानी आया है जो कभी नहीं आता था, आज 30 साल बाद पानी आया है और मतलब गांव के अंदर पानी घुस चुका है और पूरी खेती बाड़ी जलमग्न हो चुकी है। और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों को भी बताया है, लेकिन आते हैं और सुन के चले जाते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो हमने पॉपुलर मशीनें मंगाई थी नहर की सफाई होनी थी वो अभी नहीं आ रही हैं। आज 10वां दिन है पानी भरे हुए गांव के अंदर, लेकिन मशीन नहीं आई। अगर मशीन आ जाए तो हमारी नहर की थोड़ी 2 किलोमीटर की सफाई हो जाए और पानी निकल जाए। अच्छा ये पानी आया कहाँ से? हरिद्वार? हरिद्वार ना, ना ये अलीगढ़, मतलब अलीगढ़ डिवीजन में ये नहर पड़ती है, वहाँ से पानी ऊपर से आया है, ये इसकी स्टार्टिंग हरिद्वार से है नहर की, और ये जेड़ा झाल पे आके मतलब हजारा नहर में जॉइंट होती है। अच्छा कभी पहले आया इतना पानी? नहीं सर, कभी नहीं आया इतना पानी, कभी हमारे बाप दादे के ज़माने से नहीं आया इतना, जो गांव के अंदर कभी पानी गया हो इतना आया हो। मेरा नाम नरसिंह पाल है। नरसिंह पाल जी, क्या स्थिति आपकी भी खेती है? स्थिति सर मतलब बासु जनजीवन से बिल्कुल ही नष्ट है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ। और मतलब हमारा मेन मुद्दा यही है कि मतलब हमारी ये जो खारजा जो नहर है इसकी सफाई हो, अगर इसकी सफाई नहीं होती है तो हमारा तो ये भी फसल गई और वो भी आने वाली भी फसल नहीं हो पाएगी, गेहूं भी नहीं हम कर अच्छा, पाएंगे। कब से ये सफाई तो नहीं? ये सफाई तो उसकी तो कभी हुई नहीं है, और उसमें पानी भी नहीं आता था, वो ये बरसात का पानी आ गया है इसमें, ये हरिद्वार से है इसका लिंक है और ये मतलब डिवीजन अलीगढ़ में पड़ता है और ये नानू से चालू हुई है, इसमें खंडी कट गई है, इसकी कोई देख रेख नहीं। और मतलब कुछ समय पीछे जब सूखा थी तो कहा भी था लोगों से कि सर इसकी सफाई करा दो, हम भविष्य में मतलब हमारा पानी निकलता रहे। एक नई नहर जो निकल गई है जो फिरोजाबाद के लिए गई है, मतलब गोपालपुर से आई है, उस नहर की वजह से यहाँ मतलब हमारे लिए ये समस्या आ गई है सामने। तो वहाँ जो या तो उस नहर में ही हजारा में उसको खंडी को लगा दिया जाता, वहाँ रोक लगा दी गई है, पानी नहीं निकल पा रहा है। हमारी यही विनती है मुख्यमंत्री जी से कि जैसे भी हो वैसे हमारी ये सफाई इसकी करा दें तो हमारी आगे वाली फसल तो बच जाए। नीरज कुमार सिंह जी, क्या पद है आप पर? मैं नीरज कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता ICT फिरोजाबाद। अच्छा यहाँ देवा गांव और आसपास के गांव में नहर से पानी आ रहा है, तमाम गांव भी फसलों में भी पानी भर गया, तो क्या व्यवस्था की जा रही है? इसमें ये था, ये ID फिरोजाबाद की नहरें थी जो खारजा नहरें थी,
खारजा का मतलब जो खारिज हो चुकी थी, उनमें जब बरसात हुई तो पीछे से पानी आया यहाँ यहाँ पे जो साइफन था वो, क्योंकि कभी उनमें पानी आता नहीं था तो वो साफ़ नहीं थी, तो इस वजह से वो पानी भरा, बाद में साफ़ करा दिया गया, वो पानी धीरे धीरे निकल रहा है। एक दो दिन अच्छा, क्या स्थिति थी, कितना पानी भरा जैसे फसलों फसल भी डूब गई पानी? अब वो तो संबंधित आए वो दिशा चे बनता या वो बता पाएंगे, देखा तो हमने भी पानी भरा था, उसमें 3-4 फीट पानी है था, तो वो अब निकल रहा है पानी। अच्छा, अभी क्या व्यवस्था की जा रही, मशीन ला के पानी फाटक से निकाला जा रहा है? नहीं नहीं, ये तो फाटक कर ले, ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो नदी में पानी, अपनी नहर में पानी बढ़ाया जाए।